ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो एक तो क्या है कि ये जो 15वां वित्त आयोग है ना, 15वें वित्त आयोग से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा देख लो ठीक है, फिर नेट बंद हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं। बीच में देखो ये जो 15वां वित्त आयोग है ना, 15वें वित्त आयोग, आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति जी जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं 5 साल के लिए, और उसमें केंद्र सरकार का जो नेट टैक्स जो पुल होता है, शुद्ध कर राजस्व होता है, उसमें से पैसा राज्यों को भी बांटा जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज को भी बांटा जाता है। एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग को गठित किया गया राष्ट्रपति साहब ने, और इसके सचिव बने अरविंद मेहता साहब, जो है 15वें वित्त आयोग के सेक्रेटरी बने। 15वें वित्त आयोग में एनके सिंह साहब और टोटल मिला के 4 और सदस्य थे। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो कई प्रकार की रिकमेंडेशन है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो रिकमेंडेशन इनकी जो लागू होगी वो लागू होगी 2021-22 से 2025-26 तक इनकी इनकी जो है वो सिफारिश है, रिकमेंडेशन लागू होगी। इसमें लिखा गया कि भाई राजस्थान की जो नगरी निकाय है उनके सशक्तिकरण के लिए राजस्थान की नगरी निकायों को 1406 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग ने दिए हैं। कितने टोटल? 1406 करोड़ रुपए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, 1406। लेकिन ये जो 1406 करोड़ रुपए मिलेंगे इसको बांटा इन्होंने, कैसे बांटा कि ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, तो उन शहरों को कहा मिलियन प्लस श्रेणी के सिटीज। भाई 1406 करोड़ रुपए है, उसमें से 425 करोड़ रुपए तो किसको दिए जाएंगे? हमारे ऐसे हमारे नगरीय निकाय जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, उनको 425 करोड़ देंगे। बाकी जो शहर जिनकी जनसंख्या नॉन मिलियन प्लस का मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, उनको दिए जाएंगे 981 करोड़ रुपए। तो 425 और 981, ये टोटल मिला के हो जाते हैं 1406 करोड़ रुपए। अब इस समय ने कहा कि भाई ये पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, तो कहा कि भाई जो 10 लाख से ज्यादा आबादी के जो शहर है ना, 10 लाख से ज्यादा आबादी के शहर जिनको कितना पैसा मिल रहा है, 425 करोड़, जिनको 425 करोड़ रुपए मिल रहा है, वो पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। एक तो उनको खर्च करना पड़ेगा पेयजल के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वायु गुणवत्ता में सुधार, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आता है उसमें सुधार करना है, और आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अवशेष प्रबंधन, इन 3 सेक्टर में इनको खर्च करना है। इनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। जो नॉन प्लस मिलियन है, नॉन प्लस मिलियन का मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, उनको जो पैसा मिला, उनको कितना कितना पैसा मिला, तो उनको मिला 981 करोड़। कितना? 981 करोड़। उनको पैसा कहाँ खर्च करना है? उनको भी पैसा खर्च करना है अपना वाटर सप्लाई के लिए और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, उनको अपना पैसा खर्च करना है। वेतन देने के लिए, उनके उनके देने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 15वें वित्त आयोग ने सिफारिशें दी, ठीक है ना, और राजस्थान के नगरीय निकाय को कितना मिल रहा है, 1406 करोड़ रुपए मिलने वाले, 2 भागों में बांटा। चरण आया वो आया 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने लाया। अब इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को लाया, उसमें इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब ODF प्लस का दर्जा देंगे और ODF प्लस प्लस का दर्जा देंगे। कैसे देंगे कि भाई जिन शहरों में खुले में शौच से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसके साथ साथ में वहां पर बायोगैस के प्लांट लगे हैं, प्लास्टिक का जो मैनेजमेंट होता है, सूखा गंदा वो जो भी प्लास्टिक है वो अलग अलग, आपका ग्रे वाटर होता है जो गंदा पानी निकलता है नगर पालिका वगैरह से, उसका कोई रिसाइकल वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो कुछ अगर शहर उसमें भी काम कर रहे हैं तो हम उसको ODF प्लस का स्टेटस देंगे। अब आपने एक नाम सुना होगा, एक हमारी राजस्थान की जाहोता ग्राम पंचायत है, सुना है नाम आपने, जाहोता ग्राम पंचायत। तो जाहोता ग्राम पंचायत जयपुर जिले में आती है। जाहोता ग्राम पंचायत जो है वो राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी थी ODF प्लस, लेकिन वो इस योजना के तहत नहीं बनी थी, क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। जाहोता ग्राम पंचायत का दर्जा कौन सा दिया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है ना, ये शहरी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो जाहोता ग्रामीण के तहत उसको दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, इसका दूसरा चरण लॉन्च हो चुका है।